हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ठोसों तथा द्रवों के ऊष्मीय प्रसार के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं एग्ज़ाम में वो बहुत सारे इस चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। हीट से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप सब जानते हैं कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो फैलता है और ठंडा होने पे वो सिकुड़ जाता है। लेकिन ये उनकी जो क्वालिटी है, उनका जो गुण है फैलने का और सिकुड़ने का, ये अलग अलग ठोसों में अलग अलग तरह का होता है। अगर हम ठोस और द्रवों के ऊष्मीय प्रसार के रूप में इस बात को बोलें तो सभी ठोस पदार्थ जब गर्म किए जाते हैं तो उनमें ऊष्मीय प्रसार होता है। लेकिन ये अलग अलग ठोस पदार्थों में अलग अलग तरह से ऊष्मीय प्रसार होता है। जैसे कि आप लोहे को गर्म करेंगे तो उसमें अलग तरह से ऊष्मीय प्रसार होगा, वो कम फैलेगा इन कंपेयर टू तांबा, मतलब उसका ऊष्मीय प्रसार कम होगा और तांबे का ज़्यादा होगा। यहाँ पर हमने इस लाइन को लिया है समान रूप से, मतलब जो लोहा है और तांबा है उनको समान रूप से गर्म किए जाने पर, वो समान रूप से अगर उनको गर्म किया जाता है तो तांबे में लोहे की अपेक्षा अधिक प्रसार होता है, मतलब तांबा ज़्यादा फैलता है गर्म होने पे और लोहा कम फैलता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल गर्म करने पर सिकुड़ते हैं और 80 डिग्री सेल्सियस से 142 डिग्री सेल्सियस तक AgI, मतलब सिल्वर आयोडाइड, गर्म करने पर सिकुड़ता है। इस एक स्किल को याद रखिएगा। नेक्स्ट, ताप प्रसार गुणांक का मतलब है कि अगर किसी धातु में जो प्रसार हो रहा है, जो फैलाव हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है, या तो वो आयतन में फैलेगा या फिर वो क्षेत्रफल में फैलेगा या फिर वो सीधी रेखा में एक लंबाई में फैलेगा जिसे हम बोले। तो इन्हीं तीनों को जो मान करके आयतन प्रसार गुणांक को तीन भागों में बांटा गया, रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक को इंग्लिश में कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। जब किसी छड़ को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई में जो भी वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं और इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं, इसे अल्फा से व्यक्त किया जाता है। एक मिनट, इसका जो फॉर्मूला है रेखीय प्रसार गुणांक का, वो अल्फा इज़ इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल है पहली लंबाई, जो पहले लंबाई थी और फिर गर्म होने के बाद जो लंबाई हुई उनके बीच का अंतर, मतलब L2 माइनस L1 अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी है ताप में वृद्धि, पहले क्या ताप था और बाद में क्या ताप है उनके बीच का अंतर। तो जो इसका फॉर्मूला बना रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का, अल्फा इज़ इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इनटू डेल्टा टी। जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखें कि वो ये कि अल्फा जो है वो रेखीय प्रसार गुणांक है, और रेखीय प्रसार गुणांक का मतलब होता है कि जब किसी धातु की छड़ को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है, बस इतना ही काफ़ी है। टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस कर दे तो अल्फा का जो रिलेशन होगा डेल्टा एल अपॉन एल होगा। फिर आता है सेकंड रेखीय प्रसार गुणांक, जिसे कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक नाम से पता चला, क्षेत्रफल में वृद्धि। जब ठोस को गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है या जो वृद्धि हमें दिखाई पड़ती है उसे हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, और बीटा से लिखते हैं इसे, हम बीटा से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। आगे इसका जो फॉर्मूला है डेल्टा ए यहाँ पे है क्षेत्रफल, एरिया,
डेल्टा ए मतलब पहले क्षेत्रफल क्या था और बाद में मतलब ए टू माइनस ए वन, और डेल्टा जब टी है टी टू माइनस टी वन, मतलब दो उसका अंतर। इसको अगर आप रिमेम्बर करना चाहें तो एक दूसरे से रिलेट करके कर सकते हैं। पहले वाले में लंबाई में वृद्धि हो रही थी तो उसका फॉर्मूला मतलब रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला था डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। अब इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में, तो इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। नेक्स्ट, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक मतलब अल्फा और बीटा में जो क्या रिलेशन होता है, तो बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा, बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं। किसी पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का दो गुना होता है। ये क्या है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। अभी हमने देखा कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से लिखते हैं, उसके रेखीय प्रसार गुणांक का दो गुना है, टू अल्फा है। अब बात करते हैं आयतन प्रसार गुणांक की। आयतन प्रसार गुणांक ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को कहते हैं, इसे गामा से लिखते हैं। अब यहाँ पे आयतन में वृद्धि हो रही है और हम इस आयतन को साइंस में वी वॉल्यूम से नोट करते हैं, तो गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। इसके जैसे हमने पीछे देखा था कि आयतनों का अंतर और फिर तापांतर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। आगे देखते हैं आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में क्या संबंध है। गामा इज इक्वल टू थ्री अल्फा। पहले हमने देखा था बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा, गामा इज इक्वल टू थ्री अल्फा, दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में जो रिलेशन है वो बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा है, लेकिन आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में जो रिलेशन है वो गामा इज इक्वल टू थ्री अल्फा। मतलब किसी पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का तीन गुना होता है। अब अल्फा बीटा गामा में संबंध क्या होगा? तो ये जो रेशियो इनके बीच बन के आता है वो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू वन रेशियो टू रेशियो थ्री, ये इनके बीच रेशियो आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्लेटिनम और कांच के प्रसार गुणांक लगभग बराबर होते हैं। अतः यदि कभी कांच में तार डालना होता है तो उसमें प्लेटिनम का ही तार डालते हैं, क्योंकि ठंडा होने पर यह कांच के ही बराबर सिकुड़ता है, और जब तार ढीला और तार ढीला नहीं होता और गर्म करने पर भी कांच के बराबर ही फैलता है, जिससे कांच चटकता नहीं। अगर इनमें से एक का भी आयतन प्रसार गुणांक ज़्यादा होगा तो ये एक दूसरे के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएंगे। अगर कांच का आयतन प्रसार गुणांक इससे कम होगा प्लेटिनम से, तो प्लेटिनम में जब प्रसार होगा तो कांच चिटक जाएगा, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग उतना प्रसार नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लेटिनम और कांच के याद रखिएगा जो प्रसार गुणांक होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं। अभी हमने ठोस की बात की थी, अब द्रव में उष्मीय प्रसार कैसा होता है? देखिए, आप सब घर में जब भी आपने किचन में काम किया होगा या अपने डेली लाइफ में भी इस चीज़ को महसूस किया होगा कि अगर आप कुछ भी चीज़ गर्म करते हैं तो सबसे पहले वो बर्तन गर्म होता है, देन उसके अंदर का जो लिक्विड है, जो द्रव उसके अंदर भरा हुआ है, वो गर्म होना शुरू होता है। तो द्रव का उष्मीय प्रसार जो है उसके अकॉर्डिंग गर्म करने पर पहले बर्तन का प्रसार होता है, फिर बाद में द्रव का प्रसार होता है। उष्मीय प्रसार का मतलब यह है कि जब बर्तन गर्म होता है तो उसके अणु अपनी ऊष्मा को एक अणु से दूसरे अणु को अपनी ऊर्जा को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, फिर एक स्थिति आती है कि पूरा बर्तन गर्म होता है। उसके बाद फिर उसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है वो गर्म होता है। तो द्रवों का उष्मीय प्रसार जो नापा जाता है, उसका जो मेजरमेंट किया जाता है, उसको दो स्थितियों को मान करके किया जाता है। पहला, जब केवल द्रव का प्रसार हुआ हो, जिसे हम आभासी प्रसार कहते हैं, अपरेंट एक्सपेंशन, और जब वास्तविक प्रसार मतलब जब बर्तन और द्रव का प्रसार हुआ हो, उसे रियल एक्सपेंशन कहते हैं। इस चीज़ को मैं अगर एक बार फिर से आपको क्लियर करूं, तो केवल द्रव का प्रसार का मतलब ये है, जिसे हमने आभासी प्रसार बोला है, कि सपोज़ दैट आपने केवल ये मेज़र किया कि द्रव में कितना उष्मीय प्रसार हुआ है,
द्रव का पहले क्या था टेम्परेचर और अब कितना हो गया है, बर्तन का नहीं किया तो वो होता है ऊष्मीय प्रसार। लेकिन जब आपने वास्तविक प्रसार जब होता है तो वास्तविक प्रसार में बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखते हुए द्रव में जो प्रसार होता है उसे वास्तविक प्रसार कहते हैं। मतलब यहाँ पर आपने दोनों के ही प्रसारों को ध्यान में रखा है, बर्तन और द्रव दोनों को ही मेज़र किया है, इसमें केवल द्रव को किया है, इसलिए इसको आभासी कहते हैं और इसे वास्तविक कहते हैं। द्रव का आभासी प्रसार गुणांक गामा ए इजकल टू डेल्टा वी अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। आभासी प्रसार गुणांक को गामा ए से लिखते हैं क्योंकि इसे अपरेंट एक्सपेंशन कहते हैं, तो ये जो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में लिखा है ए वो अपरेंट एक्सपेंशन को डिनोट कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, मतलब इसके आयतन में जो वृद्धि हो रही है। किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर द्रव के आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि जो होती है उसे द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक, इसे गामा आर से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यहाँ पे आर रियल एक्सपेंशन मतलब वास्तविक प्रसार को डिनोट करता है। किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वास्तविक तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात में उस द्रव में जो वास्तविक प्रसार गुणांक होता है उसे हम उसका वास्तविक प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे भी गामा आर इजकल टू डेल्टा वी आर अपॉन वी इंटू डेल्टा टी से ही लिखते हैं। दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, द्रव का आभासी प्रसार गुणांक और द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक, सिर्फ अगर कहीं अंतर है तो उनके आर और ए के उसमें ए डिनोट करता है एपरेंट एक्सपेंशन को मतलब आभासी प्रसार को और आर डिनोट करता है रियल एक्सपेंशन को वास्तविक प्रसार को। अब इनका जो रिलेशन है वी आर और वी ए का वो वी आर इजकल टू वी ए प्लस वी जी इम्पोर्टेंट रिलेशन है। किसी द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक उस द्रव के आभासी प्रसार गुणांक तथा बर्तन के पदार्थ के आयतन प्रसार गुणांक के बराबर होता है। यहाँ जो वी जी लिया हुआ है ये गामा जी, मैं फिर से बोलती हूँ गामा इजकल टू गामा ए प्लस गामा जी।